चलिए दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक भाई का जो है पवन सूर्यवंशी जी का एक कमेंट आया है, तो उनको पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे चैनल पर विजिट किए, क्योंकि ये हमारा ये चैनल हर प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में जानकारी देता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, सॉफ्टवेयर हो, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किसी प्रकार का कोई भी एरर आता है तो मैं उसका सोल्यूशन देता हूँ। चलिए, तो अब समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपने सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो एक्चुअली आपका बताना क्या चाहते हैं कि आपका जो साउंड है, ठीक है, वो बहुत कम आ रहा है। कब आ रहा है? जब आप सेटिंग्स में कुछ चेंजेस किए। तो चलिए पहले सेटिंग्स से स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है ये, सबसे पहले सेटिंग्स में आपको जाना है और वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा साउंड्स एंड वाइब्रेशन का। यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे रिंग वैल्यूम, अलार्म वैल्यूम, मीडिया वैल्यूम, ये तीनों को, तीनों हमेशा फुल होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर कॉल आ रहा है तो आप लो साउंड में तो कॉल आपको सुनाई नहीं देगा, ये भी हाई ही होना चाहिए, तो आप हाई कर सकते हैं। अलार्म साउंड, अलार्म जो है अगर लो साउंड रहेगा तो आप ऑब्वियसली आपको सुनाई नहीं देगा, इसलिए भी हाई कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है मीडिया वैल्यूम, ये हमेशा फुल होना चाहिए, क्योंकि जब आप फुल आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि आपका जो साउंड है वो बहुत कम आ रहा है तो इसको आप फुल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, अगर ये फुल अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप करके एक बार देख लीजिए, अगर प्रॉपर साउंड आ रहा है पहले जैसा तो इट्स ऑल राइट, अदरवाइज नहीं आ रहा है तो चलिए दूसरा ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई वीडियो प्ले कीजिए या फिर सॉन्ग्स प्ले कीजिए। प्ले करने के बाद आप आपके राइट साइड में, या फिर अगर आप रेडमी अगर यूज नहीं कर सकते हैं तो लेफ्ट साइड, या फिर और कहीं और जगह पे भी आपको वैल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है? तो वो क्या करना है, वैल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो उसको वैल्यूम को अप कर रहा है, करना है तब करना है जब आपका साउंड प्ले हो रहा है, यानी कि अगर म्यूजिक या वीडियो अगर प्ले हो रहा है तो उसी दौरान, उसी सेम टाइम में आपको वैल्यूम को अप करना है, ठीक है, इंक्रीज करना है वैल्यूम को। उसके बाद देखिए ये आपका बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है? नाउ अगर ये भी प्रॉब्लम, ये भी करने से अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? ये देखिए दो ऑप्शन मैं दिखा बता दिया, मोस्ट ऑफ द केसेस फर्स्ट ऑप्शन में सॉल्यूशन हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन में भी मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन थर्ड जो मैं ऑप्शन बताने जा रहा हूँ ये हार्डवेयर का इशू हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अबाउट फ़ोन में आइए और कर्नल के ऊपर, ये थर्ड और बहुत क्रिटिकल सॉल्यूशन है, तो मैं कोशिश, आप कोशिश कीजिए कि ये दो में ही आपका सॉल्यूशन हो जाए, और बाय द वे नहीं होता है तो आपको इस ऑप्शन का यूज करना है, ये क्रिटिकल केस के लिए है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस हार्डवेयर प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है। तो अब देखिए, अब कर्नल वर्जन को 3 स्टेप, 3 4 बार, 5 बार आप क्लिक कीजिए। एक और उपाय है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या उपाय है, मैं गूगल में आपको दिखाता हूँ, सर्च किया था वो नंबर, तो मुझे फ़िलहाल अभी याद नहीं आ रहा है, बट आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो चीज़। ये देखिए, स्टार हैज 6484 हैज स्टार, इससे क्या होगा, आपका जो जो भी प्रॉब्लम होगा, माइक हो, लाउड स्पीकर हो, या फिर साउंड का प्रॉब्लम हो, उसको आप चेक कर सकते हैं, मतलब टेस्टिंग के पर्पज़ से इसका यूज किया जाता है। सिंगल आइटम टेस्ट में जाइएगा, कुछ इसी प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा उस केसेस में। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, स्पीकर, रिसीवर, हैंडसेट, ये जो है ऑप्शन को एक एक करके प्ले करना पड़ेगा और टेस्ट को पास करना पड़ेगा। अगर टेस्ट पास हो जाता है तो आपको रीसेट करना पड़ेगा अपने फ़ोन को, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ये सॉफ्टवेयर का ही बग होता है, तो आपका ये जो है ज़्यादा चांसेस होता है कि इसी में आपका सोल्यूशन हो जाए, अदरवाइज़ आपको फिर सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, इसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं इसके ऊपर रिसर्च किया, रिसर्च में मैं यही पाया कि ये प्रॉब्लम आपका सेटिंग्स से सॉल्व हो सकता है,
सेटिंग्स में जाकर आप जो है जो मैं आपको बताया वो कहाँ गया मैं चेक करके बताता हूँ। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स अगर मिसिंग होगा तो आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं तो उसको भी आप ध्यान में रख कर आप देख सकते हैं। मैं अगर जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी लंबा हो चुका है मेरे हिसाब से। उसके बाद क्या करना है आपको कि जब आप वीडियो प्ले कर रहे हैं या फिर म्यूजिक चला रहे हैं उसी टाइम में आपको वैल्यूम अप बटन दबाकर वैल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा सेम टाइम जब साउंड निकल रहा है, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है इस केस में भी। और थर्ड ऑप्शन है आपको जो कि मैं बताया आपको, ये डायल करना है स्टार हैज 6487 हैज स्टार इसको करने के बाद आप इस प्रकार का आपको इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको टेस्ट करना है हार्डवेयर टेस्ट। हार्डवेयर टेस्ट करने के बाद जो है जब वो पास होता है तो, अगर हार्डवेयर टेस्ट अगर फेल होता है तो फिर प्रॉब्लम होगा, अगर पास होता है। इसमें होगा क्या बेसिकली मैं बता देता हूँ, जब आप स्पीकर कीजिएगा तो बोलेगा कि आप जो है मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या, मतलब आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको सुनाई देगा तो आप बोलिएगा हाँ सुनाई दे रहा है, यस यस नो ऐसे ही कुछ होता है। तो आप इसको पास कीजिए, अगर ये पास हो जाता है तो अपने सिस्टम को जो है रीसेट फैक्ट्री कीजिए। ये क्रिटिकल सोल्यूशन है क्योंकि देखिए अगर आप रीसेट कीजिएगा तो सारा डाटा ही उड़ जाएगा, उसका बैकअप लेना पड़ेगा, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपको तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। वो आप यहाँ पे जाकर फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन आप ढूंढ लीजिएगा फैक्ट्री रीसेट, रीसेट यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि देखिए रीसेट एंड बैकअप, यहाँ पे जाना है फैक्ट्री डाटा रीसेट, आई थिंक किधर था यहाँ पे, फैक्ट्री डाटा रीसेट में जाकर आप जो है रीसेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हुआ फाइनल सॉल्यूशन, जो मैं हर पॉसिबल जो सॉल्यूशन था मैं उसको रिसर्च करके आपको बता दिया। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए बिना कोई संकोच के, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी कीजिए यार सब्सक्राइब तो करना मत भूलिए। अगर सब्सक्राइब नहीं भी कीजिएगा तो लाइक करने में तो क्या जाता है आपका, लाइक करने में तो आपको कुछ जाता भी नहीं है, आपको सीधे टैप करना है। अगर मेरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग को इंटरटेनमेंट टाइप का वीडियो चाहिए, ठीक है। उन लोग क्यों देखेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हर समय तो नहीं होता है ना, प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है आपको देखना। तो आप जो है मत कीजिए सब्सक्राइब, लेकिन लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, कुछ भी कीजिए लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे आ गए हैं तो पहले लाइक कीजिए उसके बाद वीडियो देखिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इस पर कोई ज़्यादा व्यू नहीं आता है, कोई देखता नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो लोग नहीं बनाते, बहुत कम लोग बनाते हैं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो इसी टाइप से मैं वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोगों को इससे हेल्प ज़रूर होगा। हो सकता है आपको इससे हेल्प ना हुआ हो, आपका रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रियल में इस वीडियो से हेल्प हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क थ्रू कॉमेंट। तो चलिए।